नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यू नेशन में। पीएम नरेंद्र मोदी ने बताई वो वजह जिसे जानने के लिए पूरा देश इंतजार कर रहा था कि आखिरकार उन मंत्रियों को क्यों हटाया गया जो कि पहले से ही मंत्रिमंडल के मंत्री थे। उसके पहले नरेंद्र मोदी ने उनसे क्या बातचीत की, उन्हें क्या बताकर उन्हें पद से हटाया, आज हम आपको पूरी वीडियो दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि कैबिनेट बैठक पीएम मोदी ने बताई पुराने मंत्रियों को हटाने की वजह और उन्होंने नए मंत्रियों को कुछ सलाह भी दी है। अभी सीधे हम आपको जोड़ते हैं, दिखाते हैं नरेंद्र मोदी इस वक्त लाइव आकर के उन्होंने ऐसा क्या कहा जिससे कि पूरा देश एक मान कर चलो कि हैरान हो गया, क्योंकि इतनी वजह थी उन लोगों को हटाने की जिसके बाद ये डिसीजन लिया गया। बता दूं आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक के दौरान साफ किया कि पुराने मंत्रियों को हटाने के पीछे उनकी क्षमता का कोई संबंध नहीं है, बल्कि ऐसा व्यवस्था के चलते किया गया। बता दूं आपको, बुधवार को बड़े फेर बदल के बाद गुरुवार को नए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में किसानों और कोरोना वायरस को संभावित तीसरी लहर से निपटने को लेकर बड़े फैसले किए गए। वहीं प्रधानमंत्री ने रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन और रमेश पोखरियाल निशंक जैसे नेताओं को हटाने के पीछे की वजह भी बताई है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार वो कौन सी वजह आन पड़ी जिसके बाद नरेंद्र मोदी को ये कदम उठाना पड़ा। बता दूं, जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक के दौरान कहा कि यह मंत्री व्यवस्था के चलते पद से हटाए गए हैं। उन्होंने साफ किया है कि उनकी क्षमता से इस फैसले का कोई भी संबंध नहीं है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि नए मंत्री अपने पूर्ववर्तियों से मिले और उनके अनुभवों से सीख लें। अभी तक माना जा रहा था कि इन मंत्रियों का इस्तीफा इनके लचर प्रदर्शन की वजह से लिया गया, लेकिन शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मोदी ने इसे लेकर कयासों को लगाम दी और खुद स्पष्ट कर दिया कि कैबिनेट में फेरबदल किसी की क्षमता के आधार पर नहीं बल्कि व्यवस्था के आधार पर किया गया है। एक गलती कोविड की से जंग कमज़ोर कर देगी। बता दूं, समाचार एजेंसी AIA ने सूत्रों से हवाले से बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से हम भीड़भाड़ वाली जगहों की कई तस्वीर और वीडियो देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भी लोग बिना मास्क पहने घूम रहे हैं और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह सुखद नज़ारा नहीं है और इसमें हम में भय की भावना पैदा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि ऐसे समय में लापरवाही का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बस एक गलती बड़ा असर डाल सकती है और कोविड-19 के खिलाफ हमारी जंग को कमज़ोर कर सकती है। कोविड-19 को खतरा अभी टलने से बहुत दूर। बता दो, सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीनों के मुकाबले अब कोरोना के मामले में कमी आई है, इससे लोग बाहर निकलना चाहते हैं। फिर भी सभी को ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि खतरा अभी टलने में बहुत दूर है। कई देशों में संक्रमण के मामलों में तेजी आ रही है, वायरस अपना स्वरूप भी बदल रहा है। पीएम ने महाराष्ट्र और केरल में लगातार बढ़ती संख्या में सामने आ रहे कोरोना के मामले पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मंत्रियों के तौर पर हमारा लक्ष्य डर उत्पन्न करना नहीं बल्कि लोगों से अनुरोध करना है कि वो सभी नियमों का पालन करें जिससे आने वाले समय में हम इस महामारी से आगे बढ़ सकें। वहीं बैठक के बाद पीएम ने ट्वीट कर कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत बनाने के लिए 23,000 करोड़ रुपये से अधिक के नए पैकेज को मंजूरी दी गई है। इसके तहत देश के सभी जिलों को पीडियाट्रिक केयर यूनिट के लेकर ICU बेड, ऑक्सीजन स्टोरेज, एम्बुलेंस और दवाओं जैसे इंतजाम किए जाएंगे। बता दूं, मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 23,123 करोड़ रुपये की नई योजना भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज चरण 2 को स्वीकृत दी। इसका उद्देश्य बाल चिकित्सा देखभाल सहित स्वास्थ्य इंफ्रा का विकास और शुरुआती रोकथाम और प्रबंधन के लिए तैयारियों में तेजी लाना है। बता दें, केंद्र सरकार इससे पहले देश भर में कोविड समर्पित अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये दे चुकी है।
इन 12 मंत्रियों से लिया गया इस्तीफा, और कौन से 12 मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया या उनसे लिया गया, उसमें रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक, सदानंद गौड़ा, थावरचंद गहलोत, संतोष कुमार गंगवार, बाबुल सुप्रियो, संजय धात्रे, रतन लाल कटारिया, प्रताप चंद सारंगी, देवोश्री चौधरी, यानी कि इतने लोग हैं जिनसे इस्तीफा लिया गया है, इन लोगों ने इस्तीफा दिया ताकि एक बूस्टअप की ज़रूरत होती है। यहाँ पर किसी को हटाया इसलिए नहीं गया कि वो सही से काम नहीं कर पा रहे थे, ये भी नहीं था कि उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है बूस्टिंग। जब तक किसी चीज़ का बूस्टअप या फिर कुछ रिपेयरिंग नहीं होती तब तक वहाँ पर जंग लग जाता है। वही कुछ हुआ था, इसीलिए मंत्रिमंडल के विस्तार में हमेशा बदलाव की आवश्यकता होती है, और बदले जाना बिल्कुल सही। यहाँ पर कुछ लोग इसे राजनीतिक तौर पर देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं, उन लोग से मैं यही कहना चाहता हूँ, जब आप किसी थाली में खाते हैं तो उसे धुलते ज़रूर हैं, फिर खाते हैं फिर धुलते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार आपने खा लिया उसे धुला नहीं, उसमें एक दिन दो दिन तीन दिन बहुत बड़ी मजबूरी खा भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। वही हाल होता है मंत्रिमंडल का, मंत्रिमंडल में भी नेताओं जो तो काम कर रहे हो तो अच्छी बात है, वो भी काम करते हैं, वहाँ जाने के बाद ऐसा नहीं काम नहीं होता। अगर वहाँ तक हो आप तो यानी प्रधानमंत्री के बेहद करीबी हो, सबसे पहले प्रधानमंत्री आपसे ही पूछेंगे, तो इसीलिए वहाँ पे काम करना स्वाभाविक मजबूरी बन जाती है। लोग जब मंत्रिमंडल में जाते हैं, मंत्रिमंडल में कोई उनको मंत्रालय दिया जाता है तो वो कार्यभार बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी इतनी आदत पड़ जाती है कि गलतियों को भी वो छिपाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि होता है कि बहुत सारे लोग कहेंगे पुराने हो जाते हैं तो उनके पास वो तजुर्बा ज़रूर हो जाता है जिससे कि वो हर चीज़ को छिपाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर छिपाने वाली बात थी ही, और उसके साथ साथ नए चेहरे थे, अच्छा काम कर सकते थे, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने उनको एक मौका दिया कि जाएं और अपना वर्चस्व दिखाएं, अपनी देश की जनता की भलाई करें, और जो भी शासन प्रशासन द्वारा डिसीजन लिए जाएँ उनका सही से निर्वहन हो, यही उम्मीद की गई थी। इस तरह से आज नरेंद्र मोदी की कैबिनेट बैठक में पता लग गया, साफ स्पष्ट हो गया कि आखिरकार क्यों निकाला गया उनको। जो लोग राजनीति कर रहे थे कि हटा दिया गया, ऐसा नहीं है कि उन्हें ऐसे ही हटा दिया गया, बल्कि बूस्टिंग ज़रूरी है, वही बूस्टअप करने के लिए नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया। तो आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जो ये पुराने चेहरे कुछ हटाए गए हैं उनको लेकर आपका क्या रिएक्शन है, वो भी आप एक बार ज़रूर मेंशन कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें, मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के, इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।